वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। फिलहाल अभी हमने डिस्कशन की कि बहुत सारे केसेस में पेरेंट्स जो है एक चीज इम्प्लीमेंट करते हैं, हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग भी उतनी जरूरी है। हम बच्चों को तो काउंसिल कर देंगे लेकिन जब एक रूट लेवल पे exactly. आप उस चीज को नहीं लेकर चलेंगे तब आप कभी भी इससे रिजल्ट्स नहीं फिर ले सकेंगे। हाँ। ना आपने बिल्कुल सही कहा कि आप उन तमाम स्टेक होल्डर्स को जब तक नहीं शामिल करेंगे, उनको ऑनबोर्ड नहीं लेंगे तो आप रिजल्ट्स नहीं अचीव करेंगे। आप सब कुछ ना तो बच्चों पे डाल सकते हैं ना सब कुछ टीचर्स पे कर सकते हैं। इस सोसाइटी के तमाम स्टेक होल्डर्स को काम, और मैं समझता हूँ यूनिट जो घर है एक मुआशरे का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, जब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा तो फिर आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। मैंने पहले कहा कि एक रिसर्च बेस्ड चीज कही जाती है, बच्चा जब घर से तीन बड़े इंपॉर्टेंट टाइम है जब आपको बच्चे से इंटरेक्ट करना है, जब वो सुबह स्कूल के लिए निकलता है, जब आप मुआशरे में उसको भेजते हैं, वो वहां पर पूरी एक लाइफ एक्टिविटी गुजार कर आता है, जब उस वापस आता है सेकेंड टाइम जब वो वापस आएगा तो आपको उसे जरूर इंटरेक्ट करना है। हाउ वॉज द डे, आपने कैसे गुजारा, क्या गुड एंड बैड चीज आ रही थी, आप उसे काउंसलिंग करेंगे वहां पर चीजों, अदरवाइज वो उसी फ्रस्ट्रेशन को या उसी ओवर एक्साइटमेंट एंजॉयमेंट को इग्नोरेंस को लेकर ही आगे बढ़ेगा फिर लाइफ में। द थर्ड थिंग, जब वो सो रहा होगा आप उस वक्त उसे काउंसलिंग करनी है चीजों में, क्या हम ये रोल प्ले करते हैं? जब हम नहीं करते तो इट्स वेरी इजी टू ब्लेम अदर्स, क्योंकि बच्चे का जब तक कैथारसिस नहीं हो रहा दिन भर सब नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा, और पेरेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और वो अपनी रिस्पॉन्स, और बिल्कुल आपने सही कहा, हम इस पे करते हैं पेरेंट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर हमारे सेमिनार्स होते हैं, हम उन्हें अवेयर करवाते हैं कि यार इन चीजों को अंडरस्टैंड करें, ये स्टूडेंट ये बच्चा बड़ी इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल है, आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो ये माशरे को डैमेज करेगा जाकर। ये इससे सिर्फ आपके घर में ये नहीं होगा कि बच्चा आपका अच्छा डॉक्टर नहीं बन सका, बच्चा आपका अच्छा इंजीनियर नहीं बन सका, आपने सोसाइटी से एक अच्छे इंडिविजुअल को महरूम किया है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। दिस इज नॉट थिंग कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां खत्म हो जाती है कि मैंने नाश्ता तो उसको करवा दिया था स्कूल जाने से पहले, मैंने इसको पिक तो करवा दिया था ड्राइवर से, बच्चे की पूरी उसकी जो रूटीन है उसका जायजा, ये इतना इंपॉर्टेंट है और हमने इसको बिल्कुल ही वो अहमियत जो देनी चाहिए थी वो कभी भी नहीं दी है। हम सिर्फ रिजल्ट्स पे आ जाते हैं कि यार बस रिजल्ट्स क्यों नहीं निकल रहे, वो एक पूरा जो प्रोसेस हमें फॉलो करना था वो कहीं पर भी उस अहमियत से नहीं किया गया, दैट्स व्हाई आपको इसके रिजल्ट्स ही नहीं मिल रहे। आप कहते हैं यूथ आपकी सबसे बड़ी तादाद दुनिया के अंदर जो यूथ की वो हमारे पास इस वक्त है, बिल्कुल आपके पास है, तो क्या एग्जैक्टली, तो क्या आप उतनी चीज आपके पास अगर इंपॉर्टेंट है यूथ तो क्या आप उसके ऊपर वो फोकस कर पा रहे हैं जो रिक्वायरमेंट थी? कहीं पर भी नहीं हो पा रही है चीजों के अंदर। आपके मूड ठीक नहीं है तो आप बच्चे से इंटरेक्ट नहीं कर रहे कि मेरे इस वक्त अपने प्रॉब्लम चल रहे हैं, टीचर क्लास में आता है तो मैं कहता हूँ हर चीज प्लीज उस दरवाजे से क्लासरूम से बाहर छोड़ कर आए, इस वक्त आप इस वक्त दौर दुनिया में है, दुनिया में कहा जाता है हजार साल पुराना दौर हो हजार साल अगली दुनिया है, तारीखें कौमों की क्लासरूम में लिखी जाती हैं, तो वो क्लासरूम कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे दौर में एक क्लासरूम था, एक टीचर था, एक बुक थी, दैट इज द टोटल सोर्स जहां से आपको नॉलेज लेना था। नाउ ही हैज मोबाइल फोन जिसके ऊपर पूरी दुनिया ओपन है उसके लिए, हम वो कंपैक्ट चीज कर ही नहीं पा रहे, उसके अंदर कंपैटिबिलिटी नहीं आ रही क्लासरूम और उसके साथ, वो कहता है मैं यहाँ से भी तो सब कुछ गेन करता हूँ, उसका क्या बेनिफिट तो है उसको कि उसकी टीचर या जो भी उसके पास काउंसलर है उसके फिजिकल प्रेजेंस से उसको ऐसा कोई एडवांटेज होना चाहिए जो शायद वो इंटरनेट नहीं कर सकता। मुझे बताएं जब वो बच्चा हीरोज को देख रहा है, सेलिब्रिटीज को देख रहा है, उस सारी चीजें देख रहा है, जब वो क्लासरूम में आता है कि यहाँ आके मैं अपना फ्यूचर बनाने आया हूँ, क्या वो क्लासरूम में सारी चीज रिफ्लेक्ट कर पा रही है? वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही है चीजों के अंदर, वो पैशनेट ही नहीं हो रहा चीजों को देख के, तो आप उसे क्या रिजल्ट्स की डिमांड खुद करने वहां पे चले हुए। मैं थोड़ा सा एक मिनट इसके ऊपर जरूर लूंगा, मैंने जो बात वहां से शुरू की थी कंप्लीट होनी बहुत जरूरी है, जो जो फैक्टर्स हैं यहां से पहला जुमला उसे जो मिलता है कंपैरिजन करना कि मैं ऐसा नहीं हूं जैसे पहले लोग थे, कुछ चीजों में कंपैरिजन आपने डाल दिया। सेकंड टू टाइप्स ऑफ मदर्स आके जहां पे कौन, हम इंडिविजुअली उसे टेकअप नहीं करें, हम उसे कंपटीशन में डाल रहे हैं, और वो कंपटीशन में कहां डाल रहा है, हम उसे कहते हैं आपका पेपर वो पेपर देकर आ रहा है, आप उसे क्वेश्चन अजीब से पूछ रहे हैं, तुम्हारा पेपर कैसा हुआ है, मेरा अच्छा हुआ है, दूसरों के कैसे हुए, उनका बहुत अच्छा हुआ है, मेरे फ्रेंड का, तो तुम्हारा क्यों नहीं अच्छा हुआ। सेकंड थिंग, वो घर आएगा पेपर कैसा हुआ है, अच्छा नहीं हुआ, दूसरों को कैसे, फ्रेंड्स के, उसके भी नहीं अच्छे हुए, फिर ठीक है, तो आप उसे कंपटीशन में खुद डाल रहे हैं चीजों के अंदर। तो जब वो कंपैरिजन कंपटीशन लेकर आगे बढ़ेगा तो एज इंडिविजुअल तो कभी भी जात को आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, तो आप उसे रिजल्ट्स ले नहीं पाएंगे चीजों के अंदर। सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिस वजह से मैं फिर कह रहा हूं ये स्टूडेंट काउंसलिंग को जब तक आप उसे एक लाइफ के पैकेज में नहीं लेंगे ना कि ये काउंसलिंग आपके लाइफ के लिए जरूरी है, उसमें पेरेंट्स उसमें टीचर्स उसमें स्टेक होल्डर्स काम अपना कर रहे हैं, तो अगर आप इसे कहीं रास्ते से उठा लेंगे चीज को आधी तो देख लेंगे नहीं इसके रिजल्ट, तो ऐसे तो कभी भी नहीं आएंगे चीजों में कभी भी। एक और चीज मैं बिलाल की बातों में ऐड करूंगी कि होम काउंसलिंग के साथ साथ हम यहाँ पे भी एक बड़ा मसला आ जाता है कि अगर कोई घर में
ماں باپ میں سے یا فیملیز میں سے. بہت اچھی بات ہے کہ اگر کوئی ایسا کاؤنسلر ہی گھر میں موجود ہے اور وہ بچوں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, بٹ یٹ یہ کرنے کے باوجود ایک پروفیشنل کاؤنسلنگ کی پھر بھی بہت بڑی گنجائش, انفیکٹ اس کی ضرورت وہیں کی وہیں رہتی ہے. آپ دن میں وہ پیرنٹس بھی جو بہت زیادہ بچے سے بات کرتے ہیں, سم ٹائمز ارملا یہ ہم ایز ایڈلٹس فیل کرتے ہیں کہ ہم اپنے چاہے کتنی کلوز ریلیشنس کیوں نہ ہو, چاہے کتنا ان پہ ٹرسٹ کیوں نہ ہو, چاہے کتنی اچھی دوستی کیوں نہ ہو, ہم اپنی وہ باتیں شیئر ہی نہیں کر پاتے ہیں. وہ سب کچھ اپنے اپریہینشنز, اپنی باتیں وہ ہم اس طرح کہہ ہی نہیں پاتے جس طرح کسی ایک اسٹرینجر سے یا کسی ایک اور پروفیشنل کاؤنسلر. ان کی پراپر ٹیکنیکس ہوتی ہے نا چیزیں نکلوانے کی, ان کو بینڈ کرنے کی, ان کو ماڈیفائی کرنے کی. سو پھر بھی پروفیشنل کاؤنسلنگ کی جگہ وہیں کی وہیں رہتی ہے. گھر میں کتنے ہی اچھے آپ کے کاؤنسلرس کیوں نہ ہو, پیرنٹس کو چاہیے, اگین میں نے آپ کو یہ کہا جیسے ڈاکٹرس کے کلینکس کھلے ہوئے, آئی وش کہ کاؤنسلرز ہمارے پاس ہر جگہ پہ موجود ہوں, ڈاکٹرز کی کلینکس کم ہو جائیں گے. اور کاؤنسلنگ کی جو اہمیت ہے سوسائٹی کی طرف, جو بہتر ایک آپ کے آؤٹکمز ہیں, جو کرائیٹیریاز ہیں, وہ بہتر ہونے شروع. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو ویری مچ بلال, بہت شکریہ آپ کا, مار بھی آپ دونوں کا. آج ہم نے کوشش کی کہ ہم اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ, کیریئر کاؤنسلنگ اور اوور آل جو بچوں کو نیڈ ہے ان کے کیریئر کو آگے پرسو کرنے میں یا جن کا پیشن ہے اس میں جتنی چیزیں ہیلپ فل ہم ان کو ڈسکس کریں. اور جناب ابھی ہم بڑھیں گے اپنی نیوٹریشنسٹ کی جانب جو ہمیں ہارٹ پیشنٹس کے حوالے سے ڈائٹ بتانے والی ہیں. جویریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جویریہ, بات کریں گے ہارٹ پیشنٹس کے بارے میں اور ان کی خوراک کے بارے میں. آپ کو جیسے کہ تمام لوگوں کو پتا ہوگا کہ جو بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ ڈیزیز پریونشن میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اور یہاں پہ آنے کا اور لوگوں کو اس چیز کے بارے میں اویئر کرنے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ آج یہ بتایا جائے کہ جو پوسٹ آپریٹیو مطلب کارڈک پیشنٹس ہوتے ہیں, جن کو کارڈک اریسٹ ہو جاتے ہیں, ان کی کیا خوراک ہونی چاہیے. بیسیکلی آپ یہ دیکھیں, جب بھی آپ کی ڈائٹ میں چاول, چینی اور چکنائی, چینی یعنی سفید چینی جو ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ چکنائی جو اینیمل فیٹس ہیں, جب وہ آپ کا اس کا بے تحاشا آپ استعمال کریں گے تو آپ کو سانس کھینچ کے آئے گا, استھمیٹک ہوں گے, ساتھ ہی ساتھ آپ کا بلڈ پریشر ریز ہو جائے گا, آپ کو ہائپر ٹرائیگلائسریمیا ہو جائے گا, آن دا ادر سائڈ آپ کو جو آپ کا کولیسٹرولیمیا بھی ہو جائے گا, یعنی آپ کو کولیسٹرول کی شکایت ہوگی. اور جیسے ہی کولیسٹرول کی بات کی جاتی ہے, جو ایچ ڈی ایل جو ہے وہ گڈ ٹائپ آف کولیسٹرول ہے اور ایل ڈی ایل جو ہے وہ بیڈ ٹائپ آف کولیسٹرولز ہیں. تو تھنگز آر لائک دس کہ جو ایل ڈی ایلز ہیں وہ جب بھی بڑھتے ہیں تو آپ کو ہارٹ کی ڈیزیز یعنی دل کی بیماریاں ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو یہاں پہ یہ میں بتانا چاہوں گی کہ جب بھی خوراک کا بے وقت استعمال کیا جائے, یا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی خوراک میں کون سے آئلز اور فیٹس ایڈڈ ہیں, تو اس کے حوالے سے میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ آپ کو بالکل سائلنٹ جو ہے وہ اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہو سکتی ہے. اور جب بھی آپ انوانٹیڈ فیٹس لیں گے, یعنی جو چیز آپ کو ریکوائرڈ ہی نہیں, آپ کی باڈی کو بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ آپ جب بھی اس کا انٹیک کریں گے اور آپ کی جو آرٹریز ہیں اس میں شرنکیج ہو جائے گی, اس میں آرٹیریو سے کلورسز ہو جائے گا, زیادہ فیٹ سیلز جو ہوتے ہیں وہ ڈپازٹ ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے سڈن ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. سو اس کا جو کیور ہے وہ خوراک کے ساتھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ فرسٹ آف آل اپنا جو ہے ایٹنگ ہیبٹس اور لائف اسٹائل چوائسیز, فوڈ چوائسیز چینج کریں. نمبر ون پہ اس میں جو ڈائٹری ماڈیفیکیشن ہے, یہاں پہ میں بتاتی جاؤں کہ بہت زیادہ ضروری نہیں ہوتا کہ ٹیک اے لاٹ آف قہواز اینڈ تھنگس ٹو میک یور بلڈ تھن. ہمارے پاس یہاں پہ کچھ بلڈ تھنر فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں جس کی میں لسٹ آپ کو بتاؤں گی, اور آپ اپنی زندگی میں آپ مطلب اس میں ایڈ اپ کریں اور اس کو اپنی جو دل کی بیماری ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں. سو اس میں فرسٹ آف آل ہمارے پاس آتا ہے مطلب جنجر از ویری گڈ, اٹ ہیز اینٹی امیون پراپرٹیز اینڈ جو آپ کا قوت مدافعت بھی اچھا رکھتا ہے اور آپ کا بلڈ بھی تھن کرتا ہے. آج کل موسم میں سرما میں پوم گرینیٹ آیا ہوا ہے, انار کا جوس, سفید اور لال انار جو ہمارے پاس ہے وہ بہت ہی زبردست ہے, اس میں لائکوپین ایجنٹ ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ کڈنی پیشنٹس کے لیے اور ہارٹ پیشنٹس کے لیے دونوں کے لیے بہت ہی زبردست اور اچھا ہے. نظام ہاضمہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے, یعنی ڈائجسٹن سسٹم آپ کا اچھا ہونا چاہیے, اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اسینشیل آئلز میں بات کی جائے تو پلانٹ بیسڈ جو آئلز ہیں, جیسے زیتون کا تیل ہو گیا, اولیو آئل ہے, یا پھر اس کے علاوہ کاٹن سیڈ آئل ہے, سیسمی سیڈ آئل ہے,
और कॉर्न ऑयल है, ये तमाम वो ऑयल्स हैं जो कि ज़ीरो कोलेस्ट्रोल होते हैं और आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। तो बेसिकली मेरी ये तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो जिस चीज़ में आपके घर खाना पक रहा है और जो ख़वातीन खाना बना रही हैं, वो जो सोर्सेज हैं उनको ज़रूर देखें। ऑन द अदर साइड और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो अवॉइड की जाती हैं, हार्ट पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए उनसे, जिसमें कार्बोनेटेड बेवरेजेस आ जाते हैं, यानी कार्बोनेटेड वाटर्स आ जाते हैं, फिर फ्लेवर्ड वाटर्स जो कि आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड वाटर्स होते हैं वो आ जाते हैं, फिर बेकरी आइटम्स आ जाती हैं। बेकरी आइटम्स क्योंकि हमें पता नहीं होता उसमें किस चीज़ से बनाया गया है, फूड सेफ्टी मेजर्स नहीं होते, फूड क्वालिटी कंट्रोल उसमें नहीं होता, सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर साइड जब भी हम दिल की बीमारियों की बात करते हैं और उसके इलाज की बात करते हैं, तो हम स्पेसिफिकली जो है हनी, शहद, अदरक और फिर जिंजर, अदरक और फिर जो लहसुन है, इन तीन चीज़ों का अगर आप एक महलूल तैयार करके एक टेबल स्पून डेली सुबह नहार मुँह लेते हैं एक गिलास पानी के साथ, तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। और इनकी यहाँ पर बताती चलूँ कि इसकी मुकर्रा मकदार होनी चाहिए, मतलब एक इक्वल बैलेंस्ड जो है वो लेना चाहिए, और महीने में 11 बार आपको हेल्प आउट करता है। इसके अलावा हमारे पास आर्टीचॉक्स, मिंट्स, मतलब मिंट टी बहुत ज़बरदस्त है, लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर देयर। और स्पेसिफिकली यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो एलमंड्स हैं, जो बादाम हैं या फिर जो अखरोट हैं, वो भी दिल की सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। फिग्स का जिक्र करना ज़रूरी इसलिए क्योंकि अंजीर जो है वो भी दिल के अमराज में बहुत हेल्प आउट करती है और दिल के मरीजों के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर इसको हाफ कप नीम गर्म पानी में या नीम गर्म दूध में आप इसको रात सोने से पहले कंज्यूम करें, तो दिल की बीमारियों में काफ़ी हद तक कमी आती है। डेट शेक जो होता है वो इट्स क्वाइट गुड, पर 25 ml से ज़्यादा ना कंज्यूम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ऑन द अदर साइड जो मीट आइटम्स हैं, मीट आइटम्स लाइक टू से दैट जो बीफ है या वील है और उसमें ट्रिम ऑल विजिबल फैट, मीन टू से दैट जितना फैट आपको नज़र आ रहा है उसको अगर ट्रिम आउट कर दिया जाए तो वो आपकी सेहत के लिए और ज़बरदस्त और अच्छा हो जाता है। थैंक यू सो मच जुवेरिया, आप हमें बता रही थी डाइट के हवाले से। जनाब अब आपकी मुलाकात हम कराएंगे, हमारे पास मौजूद है जनाब गोल्ड मेडलिस्ट है ग्रैंड मास्टर वसीम ताय, जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, फर्स्ट पाकिस्तानी टू बी इनवाइटेड टू द 6th इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल, एंड ही इज द गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 2018 इन मलेशिया एंड वॉज अवॉर्डेड एज द बेस्ट योगा टीचर। ही इज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ योगा इन पाकिस्तान। वेलकम टू द शो वसीम साहब, खैरियत से आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका जो योगा वाला करियर है कब से शुरू हुआ? मुझे जी लास्ट मतलब 38 इयर्स हो गए हैं मैं सिखा रहा हूँ पाकिस्तान में, और उस टाइम किसी को, क्योंकि बहुत पहले की चीज़ है, ऐसा मालूम नहीं था कि योगा क्या है और ये इसके क्या फ़ायदे हैं और कैसे इसको करना है। लेकिन ये है कि अब तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में आपने सुना होगा, देखा होगा मुख्तलिफ यानी ऐसी जगहों पे कि जो लोग कर रहे हैं और इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। एक्चुअली योगा एक ऐसी साइंस है और ऐसी एक एक्सरसाइजेस हैं जिससे आप अपना फिटनेस लेवल भी अच्छा करते हैं और थ्रू योगा एक्सरसाइज आप अपनी डिजीज़ भी क्योर करते हैं विदाउट मेडिसिन, विदाउट कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपको, जैसे कि आप मेडिसिन लेते हैं तो कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन होती है जो बॉडी के लिए हार्मफुल भी होती है, लेकिन इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और मुझे माशाल्लाह 38 इयर्स हो गए मैंने पाकिस्तान में शुरू किया था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से बताइए। ये प्रोग्राम है गिनीज, हाँ जी, उसके अंदर मुझे बुलाया गया था जिसमें और भी पूरा वर्ल्ड से लोग आए थे, तो पाकिस्तान से मुझे बुलाया गया था और इसमें ये आलमी अवार्ड जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे भी उसमें उन्होंने शामिल किया और ये बेस्ट टीचर अवार्ड मुझे मिला 2018 में जो है। हाँ जी, अच्छा आप योगा के हवाले से बता रहे थे कि योगा और थेरेपी भी है, बहुत एक इफेक्टिव चीज़ भी है। योगा पाकिस्तान में और आप पहले इंटरनेशनली तो बहुत ज़्यादा प्रेफर, पाकिस्तान में इसके हवाले से कितने अवेयरनेस है? जी बहुत बहुत, अभी इस टाइम तो बहुत है क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया है, फिर चैनल्स हैं, फिर बहुत से प्रोग्राम्स जो है वो टीवी पे भी आ रहे हैं, फिर मैंने पूरे पाकिस्तान में इसको लॉन्च किया और मुख्तलिफ शहरों में जाके इसको इंट्रोड्यूस करवाया, तो उस लिहाज से अब माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं सर। और उसमें हमने दोनों तरीके से इसको लॉन्च किया है, एक तो नॉन कमर्शियल लेवल पे कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग भी इसको, उनको भी हम करवाते हैं और जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको भी हम करवाते हैं, तो इस लिहाज से जो है वो माशाल्लाह इस टाइम बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट है सर।
ठीक हो गया। अच्छा, योगा के हवाले से भी हमने आपने अवार्ड्स का भी आप चूंकि हमें बताइएगा कि किस तरह से आपके अवार्ड्स का जो सिलसिला शुरू हुआ और क्लासेस कहाँ पे आप देते हैं योगा के? जी जी, उसमें मॉर्निंग में भी सेशन होते हैं, योगा के आफ्टरनून में भी होते हैं और उसमें इवनिंग में भी है ऐसा। उसमें ये चीज़ है कि उसमें एक तो फिटनेस लेवल के लिए होता है योगा, जो हर कोई उसको कर सकता है ऐसा। एक योगा ऐसा है जिसमें आपको आपकी डिजीज़ क्योर की जाती है, जैसे कि कॉमन आजकल आपको पता है कमर का दर्द आम है, फ्रोजन शोल्डर आम है, जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं उनको सर्वाइकल का है, तो ये सब चीज़ें ऑथराइटिस है, ये सब चीज़ें आजकल कॉमन है ऐसा। तो उसको बेहतरीन उसका जो क्योर करने का है वो थ्रू योगा थेरेपी है ऐसा, कि आपका एक तो फिटनेस लेवल अच्छा होता है, दूसरा ये है कि साथ साथ आपकी डिजीज़ जो है वो क्योर होती हैं। और कोई मेडिसिन आपको नहीं लेना, कोई आपको ऑपरेट नहीं करना, कोई आपको ऐसी चीज़ नहीं करनी कि जैसे कि जो मेडिकल साइंस है उसमें फौरी तौर पे ये किया जाता है कि जी इसको और कोई हल नहीं है, इसको आप ऑपरेट करवाएं सर, तो योगा में ये चीज़ नहीं है ऐसा। अच्छा, ये भी मैं जानना चाहूँगी क्योंकि हम योगा की बात करें तो एज ग्रुप, हर एज ग्रुप के लोग जो हैं? जी, अभी जो इस टाइम है मेरे पास माशाल्लाह जो सबसे बड़ी एज की खातून हैं वो 70 हैं और जो मेल हैं वो कोई 80 उनकी एज है, सुपर फिट है, लड़कियों से ज्यादा फिट है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा माशाल्लाह। अच्छा, कोई मैसेज आप योगा के हवाले से और मार्शल आर्ट्स के हवाले से अपनी क्लासेस के हवाले से हमारे देखने वाले? जी, मैं अपने जितने भी पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं या जो लोग भी मतलब इससे रिलेटेड हैं और एक्सरसाइज को पसंद करते हैं या अभी उन्होंने शुरू नहीं किया, तो मेरा एक मैसेज है कि आप लोग जितना भी है, हम लोग मतलब ये है कि टीवी प्रोग्राम्स के थ्रू भी और वैसे भी आजकल आप हमने पार्क्स में और हर जगह पे स्टार्ट करवाया, तो आप जितना कर सकते हैं जरूर एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज आपको मेडिसिन और हर चीज से बचाएगी। थैंक यू वेरी मच वसीम ताज साहब, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। आज का उम्मीद करते हैं शो आपको पसंद आया होगा, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर, इनके साथ का शो मिस किया है तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।